सहरी बन के रेडी हो चुकी है, पराठा बन रहा है। बिस्मिल्लाह, हम पराठों सेक लें क्योंकि मैं गैस हल्की पे पराठे पकाते ताकि सड़े ना थे बहुत ज़्यादा। हाँ जी, नींद तो खैर आ रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा। रात को हम सोते हुए बहुत लेट हो गए थे। जुनेद भाई लाए थे लेट, 12:30 बजे आए थे ना, 12:30 तो आए थे। सोते हुए 1:30 बज गया था। ये फिसल फिसल जा रही कमबख्त, ये बदतमीजी ना करके कबर खोद दूंगी। अच्छा जी, आए व्यूअर्स, फेनिया खाए आप लोग से, बैठ जा हमारे साथ। कौन मैं? नहीं इसको खबरदार मेरे से बदतमीजी की। तो वो देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल अवेली कुड़ी भी करती हूँ। अपना खराफीस होंगे, अपने घर को गुजर रहा होंगे, अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यानी प्यार से दोनों के साथ करते हैं आज का व्लॉग का आगाज। तो आप सभी लोगों को सोलहवीं सहरी मेरी तरफ से मुबारक हो, ठीक है। तो मैं उठ चुकी हुई हूँ, तकरीबन अभी बजे हैं 2:30 बजे, तो मैं उठ चुकी हुई हूँ। मैं इसलिए उठ गई हूँ कि क्योंकि मैंने करनी होती है, मतलब कि ना मेडिसिन खानी होती है सबसे पहले, तकरीबन आधे आधे घंटे के गैप से खानी होती है मेडिसिन। तो इसलिए मैं जल्दी उठ चुकी हूँ, और इतनी देर में मैं सहरी वगैरह तैयार कर लेती हूँ भाभी के उठने से पहले, बाकी लोगों के उठने से पहले। बाकी सब लोग सो रहे हैं, इसीलिए मैं ज़रा लाउड हल्का करके बोल रही हूँ ताकि दूसरे लोग उठना जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। उठना है पर अपने टाइम पर उठना, पहले नहीं उन्होंने उठ जाना इसलिए। तो मैं बनाने लगी थी सहरी, गैस भी आ चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं सहरी बनानी स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं सहरी तैयार कर लूँ, दैन फिर आपको दिखाती हूँ बाद के लोग बाद में। अभी तो सब सो रहे हैं। तो व्यूअर्स, सहरी बन के रेडी हो चुकी है, पराठा बन रहा है। बिस्मिल्लाह, हम पराठों सेक लें क्योंकि मैं गैस हल्की पे पराठे पकाते ताकि सड़े ना। खेनिया बन के रेडी हो चुकी है, सालन गरम करना है और हम पराठा पका लें, फिर हम आपको बाद में सहरी की फाइनल लुक दिखाते हैं। बाकी उठाने वालों को भी उठा लें। जुनेद भाई आए हैं, मैं भी नान और करके, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ार खुल चुके हुए हैं। अब ना सारा दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, रश बाज़ार में बहुत ज़्यादा होती है। मैं सोच रही हूँ कि उनको रोज़ाना रखवाऊँ क्योंकि फिर सारा दिन उनके लिए बहुत मुश्किल से हो जाएगी। और पापा तो ऑलरेडी साइकिल चलाते हैं, दानिश भाई बीमार हैं, रही मम्मा को उठाने की मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मा उठ जाती हैं, ये बात नहीं कि मम्मा नहीं उठाऊंगी। बहरहाल फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि भाभी और मैं ही रोज़ा रखूँगी आज, ठीक है। तो इधर मैं पहले सहरी बना लूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी सहरी की। लो पराठा भी, लास्ट पराठा भी रेडी हो चुका हैगा ना, सोना मेरे मुँह की जिड्डा जी। तो व्यूअर्स, अब मैंने सहरी बना ली हुई है और बेगम जान भी उठ गई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं चुप कर, नहीं चुप कर। अच्छा सुबह ये फोन चला रही हैं, क्या कर रही हो? कसीदे कसीदे लगा रही हूँ। हाँ, याली तेरे टुकड़ों पे बलते हैं। चिकन दा सालन, फेनिया आए 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 मजे आए आए आए। और अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, गुड रोडी। और दवाइयाँ कैसी लग रही है हमारी सैरी, ठीक है? पहले हमने दवाइयाँ खा ली हैं, तकरीबन 3-4 मेडिसिन हमने खा ली हुई हैं। अब हम सहरी करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम फेनिया खाएंगे, फिर दैन उसके बाद फिर हम मेडिसिन खाएंगे, ठीक है। अभी हम पूरा प्रोसीजर कर लें, फिर हम आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूवर्स, अब हमने सहरी भी कर ली हुई है। आओ व्यूवर्स, फेनिया खाओ, वो भी भाभी की कटोरी में से। जब भाभी ना दे फिर भाभी बड़ी गंदी नहीं आती है ना व्यूवर्स, भाभी कितने गंदे नहीं आते। हाँ, मेरा तो कुछ दिल ही नहीं कर रहा खाने को, हालांकि हमने काफ़ी कुछ खा लिया फिर भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को। आई वी वॉश इंजॉय योर फीलिंग्स। इन्होंने नाते बंद कर दिए। नाते बंद करने का इशू ये है कि कॉपीराइट आ जाता होता है, फिर बड़ी मुश्किल से हटता होता है, फिर जब हम उसको हटाएंगे तो हमारी वॉइस भी ऑफ हो जाएगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तां करके असी ना बंद करता हुआ इन, ठीक है। तो असी बंद नहीं करते। ये फिसल फिसल जा रही कमबख्त, ये बदतमीजी ना करके कबर खोद दूंगी। अच्छा जी, आए व्यूअर्स, फेनिया खाए आप लोग, से बैठ जा हमारे साथ। कौन मैं? नहीं इसको खबरदार मेरे से बदतमीजी की। तो वो देखो, ओ
बस। चलो कोई बात नहीं, हम सुबह शॉल वॉश कर देंगे, ऐवें सानू डेले पाड़ पाड़ वेखन की कोई लोड़ नहीं हैगी। सुबह सुबह ही आई उठ के सीढ़ियों से जरिए आई, इनका वो लमका। मैं कहा क्या हो गया, कि कुछ नहीं। मैं कहा किसी ने उठाया, कल ना ही उठने में लेट हो गई इन्हें, मैंने 7 कॉलें कर दी, सहरी बना ली, सब कुछ कर लिया, पर ये है मजाल ना उठे। आज ही पहले उतर के आ गई कहने से पहले, और मैंने इन्हें वॉर्न करके भेजा था रात को कि अगर आप ना उठी ना तो मैंने आपको उठाना नहीं है, मैंने ऊपर नहीं आना। पहली गलत यह है कि साढ़े पास दरोग ही नहीं उत्ते चढ़ना सीढ़ियाँ, एड्डा सारा भार लै के। और दूसरी बात ये, मुझे दरवाज़ा बजाना अच्छा नहीं लगता, सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना भाभी। दरवाज़ा बंद होने में कितना टाइम पड़ा हुआ? 4:08 हुए हैं। 5 बजे बंद होता है, 5:45 रोज़ा। चलो अच्छी बात है, मैं ना जल्दी से सैरी कर लेती होती हूँ, इसलिए कि भाई जो हमने खाया पिया हो वो हैवी ना हो ज़्यादा, हज़म हो जाए जल्दी से, है ना। अभी मम्मा ने उठ के कहना कि मुझे भी उठा लेती, चलो कोई बात नहीं, खाया रहा उन्हें रेस्ट करने दी, क्योंकि ना मौसम बहुत गर्म हो चुका हुआ है, तो फिर वो पान खाती हैं, पान ना खाएं तो बड़ी बी का पारा ना सातवें आसमान पे चला जाता होता है। लो जी, आपसे बात कर रही मैं, वो भी बात कर रहे हैं मेरे साथ कमरे में। अच्छा जी, तो मैं फेनियाँ खा लूँ, फिर हम करते हैं बात, ठीक है। और हाँ एक और बात, ये ना मुझे चुन्नी मैंने इसलिए चेंज की है, मुझे गर्मी बहुत लग रही है। पहले मैंने दूसरी शॉल ली हुई थी तो मुझे बहुत घबराव सा महसूस था, मेरा दिल घबरा रहा था, तो फिर ये मैंने चुन्नी चेंज कर ली। ठीक लग रही हूँ ना? नहीं, चुप कर, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं बहुत पैड़ी जी। तो व्यूअर्स, अब सैरी वगैरह करके हम फ्री हो चुके हुए हैं, भाभी जी के तोते उड़ रहे हैं, नींद आ रही है ने बहुत ज़्यादा। हाँ जी, नींद तो खैर आ रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा रही, रात को उन सोते हुए बहुत लेट हो गए थे, जुनेद भाई लाए थे लेट, 12:30 बजे आए थे ना, 12:30 तो आए थे, सोते हुए 1:30 बज गया था, क्योंकि आपको पता है कि फिर सहरी में मैंने जल्दी उठना होता है, 2 बजे उठना होता है, तो इतनी देर में नींद पूरी नहीं होती, आँखों का हशर नशर हुआ हुआ है, दिमाग का भी हशर नशर हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इवन कि मुझे कल बुखार भी था, तो फिर उसकी वजह से थोड़ी सी थकावट सी महसूस हो रही है। रमज़ान शरीफ में तो इतनी थकावट हो जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कोई बात नहीं, रहम तो बरकत वाला महीना, एक महीने का मेहमान है, अल्लाह पाक सभी के रमज़ान खैर आफियत से गुजरवाए, ठीक है। और अब ना थोड़ी सी गर्मी होनी भी स्टार्ट हो गई, मेरा दिल इतना घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं लगी हूँ नमाज़ पढ़ के सोने, अब जा के थोड़ी तस्बीह वगैरह करती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर सोती हूँ, ठीक है, फिर वीडियो को बाद में कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके व्यूवर्स, ठीक है, तो आप लोग भी नमाज़ पढ़ें, सहरी करें, नमाज़ पढ़ें और आराम करें, फिर मिलते हैं सुबह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जी तो व्यूवर्स, अब हम उठ चुके हैं, उठ के आ चुके हैं, तकरीबन बज चुके हैं, मामा क्या टाइम हो गया? 1 बज चुका है तकरीबन, मैं 12 बजे उठी, अपना हवा आके फ्रेश हो चुकी हूं। 1 बजे उठी है, सो के रोजा रख के एहसान करती है मेरे पे। अस्पताल जाना, तुझे नहीं पता अस्पताल जाना है? कोई बात नहीं, अब काम वाम तो कर ली ना, मैंने जाना है हॉस्पिटल। काम वाम आपने करा है? आपने करा? मैंने नहीं करा काम, थोड़ा सा ही करा, बाकी तो बहू ने करा काम सारा। कमरा मैंने साफ नहीं करा, बस ये कमरा ही करा साफ। चलो करा तो है ना, जो भी करा मैंने करा है। पर सहरी में नाश्ता कौन बना के रखता है सबका? हाँ वो तो आप बनाते। मैंने बनाई है, ऑफकोर्स मैंने बनाया, व्यूअर्स गवाह है इस बात के, व्यूअर्स ने सब कुछ देखा है ना, व्यूअर्स कमेंट्स में बताना कि नाश्ता मैंने ही बनाया है। हाँ जी, चलो जी व्यूअर्स, तो अब मैं जा रही थी हॉस्पिटल, दानिश भाई के डायलिसिस हैं आज, तो मैं दानिश भाई के साथ जाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग का एंड यहीं कर देती हूँ। पता करिए डायलिसिस का सामान आ गया कि नहीं आया, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह पाक करम करे, शायद डायलिसिस का सामान आ गया हो, बहुत परेशानी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह पाक करम करेगा, जो अल्लाह पाक बीमारी देते हैं वो काटते भी होती है, तो कोई बात नहीं, खैर अल्लाह पाक करम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड, अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।